वहीं अहिवारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ओखरा में हो रहे अवैध मुरुम खनन पर रोक लगाने कलेक्टर से न्याय के लिए लगाई गुहार। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत मुड़पार एवं आश्रित ग्राम सोखरा में लगातार हो रहे मुरम खनन से परेशान ग्रामीणों महिलाओं ने बड़ी संख्या में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंच हो रहे मुरम खनन पर रोकथाम लगाने की गुहार लगाई। साथ ही ग्रामीण महिलाओं ने ग्राम पंचायत मुड़पार के सरपंच चोवाराम बप्यार एवं पंचायत सचिव द्वारा मुरम खनन कर अवैध रूप से बेचे जाने का भी नामजद आरोप लगाया। साथ ही बताया कि निस्तारी तालाब को पंप से तालाब का पानी निकालकर सुखाकर मुरम खनन करवाया जा रहा है, जिसके चलते वहां की गहराई लगभग जिसकी 20 से 30 फीट तक रह गई है। इस संबंध में आक्रोशित महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ओखरा गांव से आए हैं और हमारे गांव में हम लोग जहां गुंजाइश करते थे, जहां तालाब था वहां पे मुरमी खनन हो रहा है और इतना ज़्यादा गड्ढा कर चुके हैं, जैसे 35 से 40 फीट हो चुका है। और इसके बारे में हम लोग पंच सरपंच को भी बताए हैं और पेपर में भी दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और सरपंच बोलते हैं कि आप लोगों के गाँव वाले की सहमति से हो रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता करके। तो इतना सारा बोलने के बाद भी, क्योंकि गाँव हमारा मुख्य मेन सरपंच होता है, लेकिन वहाँ हमें कोई सुनवाई नहीं मिला, ना ही कोई मदद मिला। तो हम आखिरी में हार के यहाँ कलेक्टर सर के पास अपना प्रार्थना, अपना गुहार लेके आए हैं कि हमें मदद करें। और इतना गड्ढा हो सकता है सर कि कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा, कोई भी जानवर वहाँ पे गिर सकता है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। और इतने पास में गड्ढा हुआ है कि घर सब पास ही पास में दे दिए हैं, ग्राम सभा के बैठक में भी दिए हैं, पेपर में भी दिए हैं। और हमारे गाँव के जो बुजुर्ग आए हम लोग के साथ में, वो तो थाना भी गए हैं और तहसीलदार के पास भी गए हैं, पटवारी के पास भी गए हैं, फिर भी हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। नाम है चोवाराम बंजारे और वो बोले कि आप लोगों के गाँव वाले की अनुमति से हो रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे करके। ग्राम पंचायत मुड़पार ओखरा से आए हैं और हमारे गांव में मुरम खनन हो रहा है और 35 से 40 फीट गहरा है। और हम लोग सरपंच से बात कर चुके हैं, लेकिन सरपंच हमारे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ आना पड़ा। हम ग्राम गोरहन है, तकलीफ से आए हम। सरपंच कुछ नहीं कहते, पूरा गड्ढा खनावा थे, पूरा घर का गड्ढा खनावा थे, पूरा सरदम पार वो कुछ नहीं रहता, सरपंच कुछ नहीं कर। पार मैंने बनावा थे, बना ले के बोले सरपंच कुछ नहीं करते सरपंच। और वो खम्भा गढ़ा दे, खम्भा पूरा मुँह जा रहा, एक फीट भी नहीं छोड़ देगा, पूरा खुलाई कर सरपंच। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।